قدیم زمانے میں کشمیر ناگاؤں سے بھری ایک جھیل تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہاں طرح طرح کے قبیلے رہتے تھے۔ داستان ہیمال ناگراج اسی زمانے کی کہانی ہے۔ نوتن کیا کرنے جا رہی تھی؟ خودکشی؟ کتنا بڑا ایڈمائرر تھا میں آپ کا اور سوریا بھابھی دونوں کا، یہ کیا بزدلوں والا کام کرنے جا رہی تھی آپ؟ اگر میں صحیح سمے پر نہیں پہنچ جاتا تو اچھا ہی ہوتا ہے نا سر۔ سر جس چکرا رہا تھا، جی کر رہا تھا اس جھیل میں ہی سما جاؤں، کیوں ٹوک دیا آپ نے؟ میں نے آپ کو کہا کہا نہیں ڈھونڈا۔ کیا جواب دیتا میں بابا کو اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ چھوڑ دو میری دیکھ بھال، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ کیا رمیش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار گئی ہیں آپ؟ کیا آپ ان سے ملنے کی طلب نہیں رہی آپ کو؟ نہیں، مجھے کسی کی طلب نہیں رہی، مجھے کسی کی تلاش نہیں۔ کیا کچھ ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے بتائیے مجھے۔ کیا رمیش کا پتا مل گیا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ کیا آپ ان سے ملی؟ ہاں، نہیں، میں ان کی پتنی سے ملی۔ کیا؟ ہاں مراد، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اقبال، مجھے گھر چھوڑائیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو شانو؟ یہی تو ہے تمہارا گھر۔ مائکے جانا ہے مجھے، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ اس بار تو میری بچی کی جان بچ گئی، پر آگے کیا ہوگا؟ میں جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈال سکتی۔ شانو، تم آپ کو دھرم کرم کا بہت شوق ہو گیا ہے تو ضرور کریے، لیکن مجھے مائکے چھوڑائیے۔ شانو پلیز، پلیز شانو، جلد بازی مت کرو۔ ہم لوگ پوری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئے۔ ہو گئی سب کی کوشش، برسوں سے سب کچھ یہی تو دیکھ رہی ہوں، کیا ہو پایا؟ ہم سب ایک ایک کر کے۔ دیکھو، میں نے آج ہی سنیل سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے وہ پوری پوری کوشش کرے گا۔ ارے آج یہ نہیں تو کل کچھ اور ہوگا، یہ تو روز روز کا چکر ہے۔ سنیے بھابھی کی جان لی، ہماری بیٹی کی جان جاتے جاتے بچی، پر کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں کچھ کہتی ہوں تو سارا گھر مجھ پہ ہی برس پڑتا ہے۔
पर सुनील तुम तो कह रहे थे कि उनके सभी आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार तो हो गए हैं इकबाल, लेकिन आदमी तो और भी लाए जा सकते हैं। ये लोग तो किराए के आदमी थे मोरे, मुझे तो मास्टरमाइंड की तलाश है। हो सकता है कि असली आदमी बंबई में बैठा हुआ नूतन की सास का मामा हो। उस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमने उस पर नजर रखी है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, और उसके लिए नूतन से मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं कहां चली गई है। ऐसे एक बात कहूं मुराद, तुमने इतने दिनों तक नूतन को छिपाकर अच्छा नहीं किया। क्यों, वो तन्हा रहना चाहती थी तो मैंने उन्हें रहने के लिए जगह दी, इसमें क्या बुराई है? बुराई है मुराद, बुराई है, क्योंकि उस पर नजर रखना बहुत जरूरी था, उसको खतरा था। उन्हें कुछ नहीं होगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? अभी कल परसों तक तो यहीं थी, और फिर सामान भी तो यहीं पड़ा है, वो जरूर वापस आएंगे। कमाल है सुनील, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? हो सकता है एक बार आ सकती है वापस, अगर उन लोगों ने उसे पकड़ ना लिया होता। मुराद, मुराद जी, कहां चले गए? जी वो नहीं, ऐसा लगा कि जैसे बाहर कोई था, दरवाजा खुला था तो बंद करके आया। मैं ये कह रहा था कि यहाँ कोई आसपास छोटा मोटा गेस्ट हाउस या होटल है जहाँ सुरैया भाभी की किसी फ्रेंड का घर हो, क्योंकि सुरैया भाभी तो यहीं पड़ी है। जाहिर है कि नूतन और सुरैया भाभी की कॉमन फ्रेंड्स रही होंगी। तुम्हें कुछ मालूम है इस बारे में? देखना पड़ेगा, ख्याल नहीं किया। मुराद तुम्हें कुछ पता लगे तो मुझे खबर कर देना। चलो एक बार सुनील, मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे इलाके की छानबीन करता हुआ आता हूं। एक बार मेरा ख्याल है कि यह काम तो मुराद भी कर सकता है। मुराद को वैसे भी इस एरिया के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। क्यों मुराद जी? तो मेरे साथ जीप पे। ओके मुराद। अब लड़ना ही कौन चाहता है? मुराद, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया था। जब भी नूतन दूसरे लोगों से मिलने लगे तुमसे कहना कि मुझसे जरूर मिल लें, उनके अपने लिए अच्छा रहेगा। जी वो देखो मुराद, नूतन इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती, और मैं जबरदस्ती उनसे मिलूंगा नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं, वो कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन एक बात उन्हें समझा देना कि उनका मुझसे मिलना उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि खतरा उन पे बराबर बना हुआ है। आपने कैसे जाना कि मैं उनका ठिकाना जानता हूं? हम पुलिस वाले हैं, नजर रखना तो हमारा काम है। काश आप जानते जिसकी जान बचाने की आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो तो अब जीना ही नहीं चाहती, वो बाजी हार चुकी है। केस दर्ज हो गया है, बाबा ने तो प्रेस वालों को केस के बारे में बता भी दिया, और सुबह तक तो आई थिंक केस की चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी। पब्लिक सिंपैथी के साथ हमारी आधी लड़ाई तो यही खत्म हो जाएगी। सुरैया भाभी के चंद कागजात मिले जिनमें लिखा है कि ना मैं खुद जिंदगी से हारूंगी और ना ही नूतन को हारने दूंगी। मुझे मालूम है मुराद के नूतन छुप के हमारी बातें सुन रही है, इसीलिए मैंने सुरैया का पैगाम सुनाया। तुम उनसे कहना कि वो हिम्मत ना हारे, हम सब उनके साथ हैं। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, एक बार मेरा इंतजार कर रहा है, मैं चलता हूं, बाद में आऊंगा।
देखती जा रही हैं आप बार बार इन्हें? फेंक दीजिए। तब क्या होगा? ये सच्चाई तो नहीं मिट पाएगी। मगर किसी की वजह से अपनी जान गंवाना सरासर बुजदिली है। जिसकी जिंदगी का मकसद ही रमेश हो, और उसे जब मालूम चले कि जिसके लिए वो जी रही थी वो उसका नहीं किसी और का हो चुका, तो मैं क्या हुआ? मैं पानी लाता हूँ। सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। राजकुमारों के लिए दूध गर्म किया जाता है और इनमें एक विशेष शब्द मिलाकर फिर वो घंटा बजाकर इसकी आवाज सुनकर वो बच्चे दौड़े आते हैं। ये काम मेरा था, आज से तुम मेरे साथ मिलकर ये काम करना। अच्छा धीरे धीरे सब सिखा दूंगी जी। सब सीखूंगी। क्या हुआ? बहुत कष्ट हो रहा है क्या? तुम ऐसे करो, यहाँ विश्राम करो। अच्छा मैं अभी बैजी से औषधि लेके आती हूँ। और सुनो, ये दूध ठंडा करने के लिए रखा है। अच्छा
अच्छा हुआ महाराज हिमाल को ले आए। उनका ये प्रहार सभी वज्रपातों से भारी था। अब उनके प्रेम से मुक्ति पाना और उनका त्याग करना और भी आसान हो जाएगा। जब से दिव्य शक्ति के दर्शन हुए हैं मन शांत हो गया है। प्रभु चरणों की भक्ति से बढ़कर और कोई स्थान नहीं लगता। फिर भी मन में ये विचार आ जाता है महाराज ने ऐसा क्यों किया। मेरे साथ मेरे प्रेम का परिहास। बदन से हर उठता है मन ग्लानि से दहक उठता है। जी करता है सब जलाकर राख कर दूं। महाराज उदास है और यहां हम और उस बेचारी हिमाल। उसका क्या दोष। उस राजकुमारी को किस बात का दंड मिल रहा है। मुझे उस राजकुमारी पर कभी क्रोध आता है कभी दया आती है उस पर। क्या कर रही है इस समय। हिमाल हिमाल ये सब क्या हो गया। जी मैं औषधि लेने गई थी कि इसी पल में सब कुछ और गलती से इनसे दूध का पात्र गिर गया और बच्चों ने सोचा कि घंटा बज गया और वो उबलते दूध में कूद पड़े और उन सबकी मृत्यु हो गई। इतने में नागों ने हिमाल को डस लिया। क्या अब बच्चे कहाँ हैं। जी शयन कक्ष में। चलो हिमाल 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 उठो नागराज रो नहीं। मैं तुम्हारी वेदना को समझ सकता हूं। हिमाल को पृथ्वी पर ले जाओ। इसे फूलों पर लिखा नील वन में एक बहुत ही पहुंचे हुए महर्षि है। वो नागों के विष को उतारने का उपाय जानते हैं। एक वर्ष के भीतर यदि उपाय मिल जाता है तो हिमाल को नया जीवन मिल सकता है। क्या सोचा था
क्या हो गया? ये कैसा काल आ गया है पाताल पर, मानो किसी की कटु दृष्टि लग गई हो। ना जाने एक के बाद एक क्या होता जा रहा है। हिमाल को कहीं छुपाकर न जाने किन दिशाओं में वो उपचार के लिए निकल गए हैं। तब तो उनके स्वयं ही आने की प्रतीक्षा करनी होगी। इसके सारे शरीर पर ये चिन्ह, ये क्या है? ये चिन्ह सर्पों के काटे के चिन्ह है। इस बेचारी को सर्पों ने बुरी तरह से डस रखा है, पर ये कैसे हो सकता है? सर्प तो बहुत ही साधारण नदी के होते हैं, जब तक उन्हें सताया नहीं जाए तब तक वो तुम्हारे पास तक नहीं भटकते। और फिर इतने सारे सर्प किसी एक को बुरी तरह से काटे, मैंने ये आज तक न सुना है और ना ही देखा है। ये होंठ यदि मुस्कुरा देते हैं, पड़ जाते हैं चंद्र किरण लग जाए। पिताश्री, आप तो सर्व विद्या संपूर्ण है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। आपके पास तो समस्त औषधियों का भंडार है, क्या आप अपनी औषधि विद्या से इस रूपमती को प्राणदान नहीं दे सकते? पिताश्री, किया क्या जा सकता है? सारे शरीर को इतनी बुरी तरह से काटा और फिर मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतना काम करने की शक्ति नहीं है मुझ में। रात दिन जाकर जगह जगह से अद्भुत जड़ी बूटियां एकत्रित करके तभी कुछ सोचा जा सकता है। पिताश्री, मैं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा। आपको जहां से जो कुछ भी मंगवाना हो मुझे बताइए, मैं ले आऊंगा। बस एक बार इस रूपमती में प्राण डाल दीजिए और मैं जानता हूं कि ये चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं। पिताश्री,
हिमाल।